हेलो दोस्तों, काव्य प्रयोजन के विषय में अभी तक हमने आचार्य मम्मट से पहले जितने भी विद्वान हुए हैं उनके मतों का अध्ययन किया है। आज हम आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन के विषय में अध्ययन करेंगे। आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजन के विषय में कहते हैं, काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर शतये सद्यः परनिवर्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे आचार्य मम्मट ने काव्य के छह प्रयोजन बताए हैं। पहला है यश, दूसरा अर्थ जिसे धन कहा जाता है, तीसरा लौकिक व्यवहार का ज्ञान, चौथा अनिष्ट का निवारण, पांचवा आनंद और छठा उपदेश। इन छह प्रयोजन का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, जिनमें सबसे पहले है यश। कालिदास आदनाम एव यशः, काव्य की रचना करने से यश की प्राप्ति होती है। इसके उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने कालिदास आदि कवियों को प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी पूरे विश्व में लोगों के हृदय में व्याप्त है, क्योंकि उनका यश जो है अमर हो गया है। इस संदर्भ में आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविश्वराः नास्ति येषां यशः रस सिद्ध। अर्थात रस सिद्ध कवियों का पंच भूतों से निर्मित शरीर भले ही नष्ट हो जाए, किंतु काव्य रूपी शरीर हमेशा अमर रहता है। ये ऐसा शरीर होता है जिसे ना तो वृद्धावस्था का डर रहता है और ना ही मृत्यु का। दूसरा प्रयोजन है अर्थ। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य की रचना
धन के लिए भी होती है, क्योंकि कवि रचनाओं के माध्यम से राजाओं और जनताओं से प्रचुर धन की प्राप्ति करता है। उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने बताया है, उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने धावक आदि कवियों को लिया है, जिन्होंने हर्ष से अपनी रचनाओं के बदले प्रचुर धन की प्राप्ति की है। तीसरा है लौकिक व्यवहार का ज्ञान। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य की रचना करने से लौकिक व्यवहार का ज्ञान होता है। काव्य में ऐसे अनेक चरित्र आते हैं जिनके अध्ययन से हमें लोक व्यवहार के बारे में जानने को मिलता है, जैसे नीति शतक, पंचतंत्र, हितोपदेश। इन ग्रंथों में सज्जनों के क्या लक्षण हैं, दुर्जनों के क्या दोष हैं, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान हमें काव्यों से मिलता है। इसलिए आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का एक प्रयोजन लौकिक व्यवहार का ज्ञान भी है। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू।